आज हम बनाएंगे राजमा चावल। मुझे तो बहुत पसंद है, चलिए बनाते हैं। तो राजमा बनाने के लिए आपको चाहिए राजमा। जो मैंने राजमा लिया है यहाँ पे वो है रेड बीन राजमा, और ये 200 ग्राम है नेट। दो टमाटर लिए हैं, बड़े खट्टे वाले ना लें, ज़्यादा नॉर्मल टमाटर लें। और जो प्याज है वो भी दो लिए हैं मैंने सेम रेशियो में। लहसुन दो, अदरक थोड़ी सी लिए, ज़्यादा नहीं, ये आप साइज़ देख लीजिए, इतनी अदरक है। रेशियो क्या है कि जितना राजमा है ग्राम्स में उतने ही ग्राम्स में आपके टमाटर और प्याज होने चाहिए। लेकिन मैं बनाने वाला हूँ राजमा चावल, तो मैं ग्रेवी ज़्यादा रख रहा हूँ। अगर आपको राजमे चावल की जगह राजमा रोटी के साथ खाना है या नान के साथ खाना है तो आप ग्रेवी उस हिसाब से कम भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी वाला बना रहा हूँ, ग्रेवी का कंटेंट ज़्यादा होगा। और मुझे चाहिए फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, जो मैंने ले ली यहाँ पे बाद में यूज़ करने के लिए, धनिया पत्ते। ये राजमा था भीगने से पहले 200 ग्राम, सेम राजमा है भीगने के बाद 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद ही ऐसा दिखाई देता है, ऑलमोस्ट डबल इन क्वांटिटी, और कलर इसका थोड़ा हल्का हो गया है, तो मैं ये यूज़ करूँगा। इसको प्रेशर कुक करने स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्याज है इसको मैंने थोड़ा काट दिया, बिकॉज़ अब होगा क्या, ये इजीली ग्राइंड हो जाएगा। टमाटो उसको थोड़ा चॉप कर लेते हैं, फिर इनकी हम प्यूरी ही बनाएंगे। ऐसे काट लें कि ईजिली ग्राइंड हो जाए मिक्सर में। थोड़ी जिंजर रख देंगे ये गार्निश के लिए, बाकी हम फाइनली चॉप कर लेंगे, और गार्लिक भी फाइनली चॉप कर लेंगे। जो प्याज थे उनको ग्राइंड कर लिया है, तो इस तरीके से हो गए हैं अभी अच्छी खासी क्वांटिटी में। टमाटर की प्यूरी बना ली, देखिए ऐसे दिखाई देती है फ्रेश। अदरक लहसुन को फाइनली चॉप करा था, वो इधर है, और अदरक जूलियन में ले ली थी बाद में गार्निशिंग के लिए। धनिया मैं बाद में ही डालूंगा चॉप करके एकदम फ्रेश। राजमा के लिए जो भी हमें ड्राई मसाले चाहिए वो देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैं यूज़ कर रहा हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मेरे को लाल रंग का राजमा चाहिए। जीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, ये मैंने यूज़ करी है हींग, ऑप्शनल है, और ये है सोडा, बेकिंग सोडा, अगर साइंटिफिक टर्म में बोलें तो बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। और चाहिए कसूरी मेथी ड्राई, ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। तो तेज पत्ते, बड़ी इलायची, दालचीनी 2 छोटी इलायची। अब हम अपने राजमा को उबाल लेते हैं। तो मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, और जो भी ये राजमा था ये मैंने इसमें डाल दिया। अब सवाल ये पानी कितना डालना, अब पॉइंट ये कि पानी कितना डालना है। पानी उतना ही डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। मुझे चाहिए ज़्यादा तो मैं पानी डाल रहा हूँ ज़्यादा। इतना पानी मैंने डाल दिया इसमें। अब इसमें जाएगा ये बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, और इसमें जाएगा नमक। नमक सारा नहीं डालना है, जितना भी आपको हाफ था उसका हाफ डाल दें। इससे होगा क्या कि राजमे में ये ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से, और सोडा डालने की वजह से ये अच्छे से गल जाएगा। तो लोग यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम ये रहती है कि उनका जो राजमा है वो सॉफ्ट नहीं होता। आप इसे 5-6 सीटी लगाएं अच्छे से, पहले इसको भिगो लें 6 घंटे के आसपास, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और फिर इसको प्रेशर कुक कर लें एक ऑलमोस्ट 5 सीटी के लिए। तो मैं इसे प्रेशर कुक करना शुरू कर रहा हूँ।
और ये जो पानी है फेंकना नहीं, यही पानी ग्रेवी के लिए यूज़ होगा। तकरीबन तकरीबन 6 से 7 सीटी लग चुके हैं और अब आलम यह है कि इसको प्रेशर रिलीज़ होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इन द मीन वाइल हम ग्रेवी बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने पैन ले लिया है, उसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब इसके बाद जो हमें सबसे पहले काम करना है वो ये करना है कि प्याज को अच्छे से भूनना है और गैस को रखना है हाई इनिशियली, फिर कम कर देंगे बाद में। तो तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज डालने से पहले गैस को बिल्कुल मिनिमम कर देंगे। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ डालें जो तेल में जाने के बाद, जिसमें पानी हो एक्चुअली, तो हमेशा गैस कम करके डालें। प्याज को अच्छे से भूनना है। अब इसमें थोड़ी डाल देनी है हींग, ऑप्शनल है, मर्जी डालनी डालें या मर्जी ना डालें। फिर जो खड़े मसाले थे तेज पत्ते, दालचीनी, लौंग नॉट लौंग, इलायची छोटी गरम, और जीरा एक साइड डाल लें। आप इसको पहले भी फ्राई कर सकते थे, बस इन सब प्याज लंबे टाइम तक फ्राई करेंगे तो इसको उसके साथ फ्राई कर लें। जीरा आप पहले भी फ्राई कर सकते थे, मैंने फ्लेम हाई रखी है गैस की और उसे फ्राई करना अच्छे से। अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले से प्याज का कलर अब बदल गया, प्याज भुनना शुरू हो गया इवनली, तो इसे धीरे धीरे चलाते रहें और अगर ज़रूरत लगे तो पानी डाल दें थोड़ा सा। अब प्याज जो है वो थोड़ा पक चुका है तो इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक, जो भी हमने ग्रेट करा था, सारा नहीं डालेंगे तो जूलियन वाला रखा है वो बाद में यूज करेंगे। प्याज अच्छे से भुन गया, आप इसका कलर देख सकते हैं, हलवे जैसा कलर आ गया इसका, सूजी के हलवे जैसा। अब यहाँ पे इसी स्टेज पे हमें सारे मसाले डाल देने, सिर्फ गरम मसाला नहीं डालना है। तो ये गई धनिया, हल्दी गई, ये गया धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जो बच गया था नमक तेल है। अब हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। मसाला जो है वो पकना शुरू हो चुका है अच्छे से। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता हूँ। अब मेरे ख्याल से टमाटो प्यूरी डाल देनी चाहिए, तो ये टमाटो प्यूरी ये इसमें डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से पकाना है क्योंकि टमाटो टाइम लेंगे पकने में, तो हम इसे ढक देते हैं थोड़ी देर पकने के लिए और फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे, नॉट हाई, मीडियम। तो मैं अब इसे झाड़ देता हूँ और गैस को कर देता हूँ कम। नेक्स्ट स्टेज ये है कि अभी तो ग्रेवी ऑलमोस्ट हो गई है पूरी तरीके से, इसे 1-2 मिनट और पकाऊंगा, फिर इस ग्रेवी को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे जिसका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो चुका है और राजमा जो है वो अच्छे से पक गए हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, ग्रेवी हो गई है, गैस को कर दिया बंद, अब स्विचिंग कर लेता हूँ। अब
अब अगर आपको देखना है कि राजमा कैसा दिख रहा है, ये देखिए राजमा ऐसा दिख रहा है और ये बिल्कुल टच करते ही टूट रहा है, दैट मीन्स अच्छे से पक गया है। ये देखो इसमें अच्छी खासी मात्रा में पानी है। तो अब हमें करना क्या है कि इसमें डाल देना है अपनी ग्रेवी और इसको देना है पका। अभी मैंने गैस ऑन नहीं करी है, अब हमें इसे थोड़ी देर खुला पकाना है और फिर इसको प्रेशर कुक करना है 1-2 सीटी के लिए। मैंने गैस ऑन कर दिया और राजमे को पकने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद देखते हैं कैसा दिखाई देता है। और जो गरम मसाला हमने नहीं डाला था वो अब डाल देते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे पकने देते हैं खुला, फिर इसे प्रेशर कुक कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे खुला पकाया ताकि जो मसाले हैं और राजमा है वो अच्छे से मिल जाए ना। अब करना क्या है कि गैस को कर देना कम, जो कि मैं कर चुका हूँ। और अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो कुछ राजमे मैश कर दीजिए। उससे होगा क्या कि जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाएगी और स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। ये देखो सारे नहीं मैश करने, कुछ ही थोड़े से राजमे मैश कर देने। अब कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हल्का फुल्का ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसको। इसमें थोड़े राई के दाने भी दिख रहे हैं क्योंकि मेरी कसूरी और राई के दाने मिक्स हो गए थे, तो ठीक है चलता है इतना। ठीक, खुशबू आने लगी है तो बंद कर देता हूँ अब इसको मैं और इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। अब जो राजमे हैं उन पे एक नज़र मार लेते हैं कैसे हो गए हैं वो। तो ये सेल्फ प्रेशर रिलीज हो चुका है, इसको देख लेते हैं। थिक ग्रेवी राजमा, इसमें डाल दें कसूरी मेथी और से थोड़ा सा ड्राई पका लेंगे ऐसे ही विदाउट लिड ताकि ये अच्छे से मिल जाए। इसको 2 मिनट अच्छे से पका लेना है, 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे, सुपर हाई फ्लेम पे, ताकि ये थोड़ा रच जाए। अब इसे छोड़ देना ठंडा होने के लिए। मेरे हिसाब से राजमा एकदम रेडी हो चुका है, तो गैस को कर देते हैं बंद और इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तकरीबन 15 मिनट इसको छोड़ दें, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। 10 मिनट हो गए हैं गैस बंद करे हुए और अब देखिए इसका कंसिस्टेंसी, इसकी देखिए और राजमे देखिए, बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी विद गुड राजमा। सर्व करते हैं इसको। ये देखिए राजमा, जैसा दिखाई दे रहा है। और बाकी बासमती चावल परफेक्ट डिश, फुल ऑफ स्टार्च, कार्ब्स, प्रोटीन एंड एवरीथिंग टेस्टी। एंजॉय।